हेलो गाइस, वेलकम टू M3। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में मैंने कवर की है यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल टॉप 10 बेस्ट कुंग-फू एंड मार्शल आर्ट्स मूवीज को, जो कम्प्लीटली एक्शन से भरी हुई है। सभी मूवीज का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल मूवीज का एपिसोड 3 है। पूरी तरह अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिस्ट के सभी मूवीज HD में है और स्पेशल है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करें आज का हमारा टॉप 10 काउंटडाउन शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 10 पर आती है बर्थ ऑफ द ड्रैगन, जिसे साल 2016 में रिलीज किया था। ये एक मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म है जिसे IMDb ने 5.5 की रेटिंग दी है। फिल्म की कहानी ट्रू स्टोरी बेस्ड है, जिसमें हमें ब्रूस ली की स्टार्टिंग लाइफ देखने को मिलेगी जब वो फेमस नहीं थे। तब 1965 में हुई मास्टर वोंग जैक मैन के साथ ऐतिहासिक फाइट को दिखाया है, जिसे ब्रूस ली की पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे। और फिल्म ब्रूस ली की लाइफ के ऊपर है तो एक बार तो देखना बनता है। नंबर 9 पर आती स्पेशल ID, जिसे साल 2013 में रिलीज किया था। एक्शन एंड थ्रिलर से कम्प्लीट इस फिल्म को IMDb ने 5.5 की रेटिंग दी है और साथ 88% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। मूवी के मेन एक्टर है डोनी येन, जिनका फिल्म में कैरेक्टर नेम है ड्रैगन चेन, जो हांगकांग पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर होता है जो अंडरकवर होकर अंडरवर्ल्ड में ज्वाइन होता है, जिससे उसे मिलती है एक सीक्रेट स्पेशल ID। वो अपने मिशन को किस तरह अंजाम देता है यही फिल्म में दिखाया गया है। वन मैन आर्मी वाली इस फिल्म में आपको अलग अलग फाइट स्किल्स देखने को मिलेगी, इसलिए आप इस फिल्म को जरूर देखें। नंबर 8 पर आती है मैन ऑफ टाइची, जिसे साल 2013 में रिलीज किया था। एक्शन एंड मार्शल आर्ट से कम्प्लीट इस फिल्म को IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है और साथ ही 92% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। फिल्म में आपको बहुत से बड़े बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे और खासकर इस फिल्म को देखने का मजा डबल हो जाता है जब जॉन विक वाले एक्टर कीनू रीव्स इस फिल्म के विलन हो। फिल्म की कहानी टाइगर नाम के माहिर मार्शल आर्ट्स फाइटर की है, जिसे मजबूरी में इलीगल तरीके से चल रही अंडरग्राउंड फाइट क्लब में हिस्सा लेना पड़ता है, जहां उसका सामना होता है और भी खतरनाक प्लेयर्स से, जिनके पास होती है अपनी अपनी खास फाइट स्किल्स। इसलिए आप इस मूवी को जरूर देखें। नंबर 7 पर आती है कुंग-फू जंगल, जिसे साल 2014 में रिलीज किया था। एक्शन एंड थ्रिलर से कम्प्लीट इस फिल्म को IMDb ने 6.5 की रेटिंग दी है और साथ ही 89% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। ये एक चाइनीज कुंग-फू किलर मूवी है, जिसमें एक साइको कुंग-फू मास्टर उन सभी माहिर कुंग-फू मास्टर्स को एक एक कर मारता है जो लड़ने में माहिर है, और फिर एक मार्शल आर्ट फाइटर पुलिस के साथ मिलकर किस तरह किलर को पकड़ता है और केस को सॉल्व करता है, ये जानने के लिए इस मूवी को जरूर देखें। नंबर 6 पर आती है द रेड रिडेम्पशन, जिसे साल 2011 में रिलीज किया था। एक्शन एंड क्राइम से पर बेस्ड इस फिल्म को IMDb ने 7.6 की रेटिंग दी है और साथ ही 92% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। इस फिल्म का सेकंड पार्ट स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है, जो 2014 में रिलीज किया था, जिसका नाम द रेड 2 था। फिल्म के मेन एक्टर मशहूर इको वाइस है, जो फिल्म में पुलिस स्क्वाड टीम के साथ एक गैंगस्टर और माफिया से भरी बिल्डिंग में रेड डालते हैं, जहां उनका सामना होता है क्रिमिनल की आर्मी से। अगर आपने बॉलीवुड की बागी मूवी देखी है तो उसकी कहानी इस फिल्म से आधी चुराई गई हुई है, इसलिए आप इस मूवी को जरूर देखें। नंबर 5 पर आती है द प्रोटेक्टर टॉम युंगोंग, जिसे साल 2005 में रिलीज किया था। एक्शन एंड मार्शल आर्ट से कम्प्लीट इस फिल्म को IMDb ने 7.1 की रेटिंग दी है और साथ ही 92% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। फिल्म के मेन एक्टर है टोनी जा, जो मशहूर है अपनी फाइट स्किल्स और स्टंट के कारण। फिल्म की कहानी शुरू होती है थाईलैंड के एक कबीले से, जहां कुछ तस्कर वाले लोग एलिफेंट बेबी को चुरा कर शहर ले जाते हैं। बाद में टॉम युंगोंग किस तरह उसे बचा कर लाता है और किन खतरों का सामना करता है, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को जरूर देखें। नंबर 4 पर आती है अरहन, जिसे साल 2004 में रिलीज किया था। एक्शन एंड मार्शल आर्ट से कम्प्लीट कोरियन मूवी को IMDb ने 10 में से 6.7 की रेटिंग दी है और साथ ही 89% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। फिल्म की कहानी फोकस है एक पुलिस ऑफिसर पर, जिसे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता लगता है कि मार्शल आर्ट टेक्निक उसके अंदर भरी पड़ी है। फिर उसे 6 मार्शल आर्ट मास्टर खास तरह की ट्रेनिंग देकर उसे पावरफुल वॉरियर बनाते हैं, जिसे लड़ना होता है इविल हॉक वून से। फिल्म में हद से ज्यादा कॉमेडी है, जिससे आपको कुंग-फू हसल मूवी याद आ जाएगी, जो अपने आप में ही बेहतरीन मूवी है, इसलिए आप इस मूवी को जरूर देखें। नंबर 3 पर आती है ऑंग बैक, जिसे साल 2008 में रिलीज किया था। एक्शन मार्शल आर्ट से कम्प्लीट इस मूवी को IMDb ने 10 में से 6.2 की रेटिंग दी है और साथ ही 86% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। इस फिल्म के 2 पार्ट और है, पर कोई भी पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। फिल्म के मेन एक्टर है टोनी जा और फिल्म की कहानी शुरू होती है 15th सेंचुरी के कबीले की, जहां कबीले का एक राजा एक अनाथ लड़के को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देकर एक वॉरियर बनाता है। बाद में वो लड़का अपनी कॉमेडी स्किल के साथ किस तरह अपने माँ बाप की मौत का बदला लेता है, ये फिल्म में दिखाया गया है, इसलिए आप इस फिल्म को जरूर देखें। नंबर 2 पर आती इप मैन, जिसे साल 2008 में रिलीज किया था। एक्शन एंड मार्शल आर्ट से कम्प्लीट इस फिल्म को IMDb ने 10 में से 8 की रेटिंग दी है और साथ ही 91% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। फिल्म के अब तक 3 पार्ट और बन चुके हैं। फिल्म के मेन एक्टर है डोनी येन, जो इनके करियर की ये सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक है। फिल्म की कहानी रियल स्टोरी बेस्ड है, जो फोकस है इप मैन पर, जिन्होंने चाइनीज मार्शल आर्ट्स को सबसे पहले दुनिया की नजरों में रखा था। उनकी फाइट स्किल्स इतनी खतरनाक थी कि उन्हें हराना नामुमकिन था और उन्होंने खुद ब्रूस ली को ट्रेन किया था। इप मैन की कहानी काफी रोमांचक है, इसलिए आप इस मूवी को जरूर देखें। नंबर 1 पर आती है कुंग-फू ली,
रीमेक जिसे साल 2018 में रिलीज किया था। एक्शन कुंग-फू फाइट से कम्प्लीट इस फिल्म के 85% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। फिल्म में कॉमेडी के साथ गेम फाइट देखने को मिलेगी। फिल्म नंबर 1 पर है, स्पॉइल ना हो इसलिए आप खुद इस मूवी को जरूर देखें। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना आपने इनमें से कितनी मूवी देखी है और आपकी फेवरेट कौन सी है।